यस 12 फिजिक्स मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर अंतिम दौर पे था और लास्ट 61 क्वेश्चन का बचा था, जिसके लिए मैंने कहा था अलग वीडियो बनेगी इसकी, क्योंकि 58 और 60 की जो सॉल्यूशन की वीडियो बनाई थी थोड़ी बड़ी हुई थी, तो ये वीडियो है केवल क्वेश्चन नंबर 61 लास्ट क्वेश्चन 61। कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मास एम, रेडियस आर टोटल मास एम, विच हैज ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। द स्फीयर इज रोटेटेड अबाउट ए डायमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। कोई भी डायमीटर ले लो, वर्टिकल ले लो, थोड़ा ठीक रहता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसको घुमाना शुरू कर दिया। सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन आई ए एंड एंगुलर मोमेंटम एल आई इंटू ओमेगा ऑफ द स्फीयर आर रिलेटेड एज दिस। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम बड़ा आसान होता है, इसको पहले निकालना है एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम जिसको एल कह रहा है वो आई इंटू ओमेगा, और आई सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये लीनियर मोमेंटम। इस क्वेश्चन में भी जो प्रूफ करना है वो आर से फ्री है। या जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे तो उसमें से और इसमें से आर को एलिमिनेट करेंगे तो एल और म्यू आपस में अपने आप ही कनेक्ट हो जाए, प्रूफ अपना आप होगा। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन बिल्कुल ठीक चल रही है। कुछ और प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जरा एक सेकंड देख लेता हूँ। होमर वेचर मिस्टर अभासपति फ्रॉम उड़ीसा, यस। चलिए इसको घुमाने से चार्ज घूम रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए जब ये सॉलिड स्फीयर ऐसे घूम रहा है तो प्यारे बच्चों अगर इस स्फीयर को टिंग 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 ऐसे बारीक बारीक काटना तो हर बारीक चीज एक डिस्क, ये तमाम छोटी उससे बड़ी अभी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी 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 तमाम डिस्क से मिलके ये वाली डिस्क सबसे बड़ी रही होगी, फिर उससे धीरे धीरे छोटी होती चली गई, नीचे धीरे धीरे छोटी होती चली गई। इन तमाम डिस्क से मिलके ये स्फीयर बना। ये स्फीयर अगर घूम रहा है तो ये तमाम डिस्क घूम रही है। अगर आपने एक डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया तो इंडिकेशन की हेल्प लेके हम तमाम डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ सकते हैं, अर्थात पूरे सॉलिड स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। अब कार्रवाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। इस डिस्क का विचार करें, जो वाई डिस्टेंस पर हो
और dy मोटी। ये dy अगर थोड़ी ज्यादा हो गया तो फिर वो डिसिन रहेगी, नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली हो जाएगी। dy शुड बी वेरी इनफिनिटली स्मॉल, d इंडिकेटेड दिस, इट इज वेरी स्मॉल। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको निकालना है, ओके। इस डिस्क की रेडियस कितनी हो जाएगी? देखिए ये y है और ये r, सेम रेडियस, तो डिस्क की रेडियस निकल जाएगी। मैं इस डिस्क को यहां बना रहा हूं, ऊपर से देख लेंगे तो पूरी डिस्क मुझे नजर आएगी, ये वो डिस्क, ओके, जिसकी रेडियस ये r है, ये y है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये रेडियस है, ये अगर ऐसे घूम रही है तो ये डिस्क ऐसे घूम रही है कि ऊपर से दिखाने को पूरी घूमती नजर आएगी, इसकी एक्सिस ये है ना, तो इसके ऐसे ऐसे नजर आ रही है, तो ये डिस्क घूम रही है। ये डिस्क तमाम रिंग से मिलके बनी है, एक रिंग जो एक्स डिस्टेंस पर हो और डीएस डिस्क की थिकनेस हो। अगर आपने इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया तो ऐसी तमाम रिंग्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के आप पूरी डिस्क का निकाल सकते हो, और जब एक डिस्क का निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन फिर दोबारा करके तमाम डिस्क का निकाल सकते हो। ऐसा यह क्वेश्चन है। तो यहां से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री डिस्क का एलिमेंट्री रिंग, ओके, ध्यान देंगे। चलिए जी इसके पीछे पढ़ते हैं। ओमेगा, ये पोर्शन पूरा आ रहा है ना स्क्रीन में, ठीक है, ये तो पूरा बोर्ड आ रहा है। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पूरा चक्कर, इतने टाइम पूरा चक्कर काट देता है तो पूरा चक्कर काटने टाइम मिलेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओके। इतनी देर में ये रिंग पूरा एक चक्कर काट रहा है, इसमें जितना भी चार्ज है वो सारा इस जगह से पास हो जाएगा, यानी चार्ज कितना है इसमें ये निकालना है सबसे मुख्य काम ये। तो देखिए एलिमेंट्री चार्ज रिंग में, यहां लिख दीजिए इसमें चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू कैसे निकलेगा, इस रिंग में कितना चार्ज है ये कैसे निकलेगा, क्यू क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, तो यूनिट वॉल्यूम में 4.3 पाई आर क्यू, ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है। तो इस पट्टी का वॉल्यूम कितना है ये ध्यान रखना, कितनी चौड़ी भी है, ठीक है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई एक्स, लेंथ और ब्रेथ डी एस, 2 पाई एक्स लेंथ इंटू डी एस, ये इसका एरिया आ गया, एरिया इंटू थिकनेस। सोचिए जरा, ये जो है जब आप ऊपर से देख रहे हो तो थिकनेस नजर नहीं आ रही है, ये बात थिकनेस भी आना चाहिए डीवाई, ये तो एरिया है और डीवाई इसकी थिकनेस है, तो ये एरिया इंटू थिकनेस आ गया वॉल्यूम, इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इस रिंग का, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, इतने वॉल्यूम इंटू दिस, इतना चार्ज है इस रिंग में, इतना चार्ज है, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 q x dx dy, 3 ऊपर पहुंच गया, qx dx dy अपॉन में 2 बचा था, 2 r q,
टू आर क्यू, थ्री ऊपर पहुंच गया टू आर, फिर सो ठीक है। यह है इस पे, इस रिंग पर चार्ज, रिंग का एरिया और इनटू थिकनेस कर दी डी वाई, तो वॉल्यूम आ गया उसका। अगर ये पूरा एक चक्र काट लेता है तो इतना टाइम लगता है, इतने टाइम में किसी जगह से इतना चार्ज पास हो जाता है उस रिंग रिंग में, बस रिंग वाली प्लेस, तो करंट निकाले कितना करंट हुआ। इसलिए इस रिंग का बनने वाला करंट डी आई इज चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, इतना चार्ज इतने टाइम में फ्लो हो गया इस जगह से, इज गुड। लिख दीजिए डी क्यू आपने निकाला थ्री क्यू एक्स डी वाई अपॉन टू आर क्यू अपॉन टाइम पीरियड, टू पाई अपॉन ओमेगा, टू पाई अपॉन ओमेगा ऊपर, ओके। इतना करंट डेवलप हो रहा है इसमें, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट इसका है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट डी म्यू के रिंग लिंग का, ठीक है, या डी म्यू रिंग लिंग रिंग, ठीक है। स्क्रीन से आउट ना हो बस ये डॉक्टर ग्राम की बात है, और थोड़ा सा इधर घुमा दे बस, अब पूरी स्क्रीन हो जाएगी, यस। तो रिंग लिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन आई ए, एक चक्कर इनटू डी आई, और एरिया कितना जाएगा इसका इंक्लोज पाई एक्स स्क्वायर, म्यू होता है एन आई ए, एन एक टर्न करंट रख देंगे निकाल के, और एरिया इसका पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इस रिंग का निकलने जा रहा है डी आई थ्री क्यू ओमेगा, थ्री क्यू ओमेगा एक्स डी वाई अपॉन टू टू जो फोर पाई आर क्यू इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल पर एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू बंद कर दो या करो इतना टाइम नहीं, थ्री क्यू ओमेगा पर एक्स क्यू डी एक्स डी वाई अपॉन फोर आर क्यू, ये इस रिंग का मोमेंट ऑफ सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। अब आपको पूरी डिस्क का निकालना है, वो इस डिस्क का निकल जाएगा, क्लियर। तो म्यू डिस्क का यानी कि डी म्यू डिस्क का, पूरी डिस्क का इंडिकेट कर देंगे डी म्यू तमाम रिंग्स का, जिसकी शुरुआत कहां से करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर कितनी रेडियस है इसकी टोटल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई, तो इस रिंग का टोटल आखिर वाले रिंग का इस डिस्क का अर्थात इस डिस्क का निकलने जा रहा है। एक बार ध्यान रखना, जैसे जैसे अब यहां से ऊपर आ रहे हो तो एक्स चेंज हो रहा है, मोटाई चेंज नहीं हो रही डी वाई, कभी आप डी वाई से कंफ्यूज जाओ। ऐसे इंटीग्रेट कर इसका प्लस अगलेगा प्लस अगलेगा प्लस अगलेगा, एक्स बढ़ता जा रहा है डी वाई नहीं बढ़ रहा है, डी वाई मोटाई फिक्स है हर रिंग की, ओके। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे तो एक्स इस क्यूब डी एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, थ्री क्यू ओमेगा डी वाई अपॉन फोर आर क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स का, सीधा कर दो एक्स पावर फोर अपॉन फोर और जीरो टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई। सब बच्चों के समय आई होप आ रहा होगा, इज इक्वल टू
ये डिस्क का निकलने जा रहा है। हाँ, चार्ज बढ़ाने का 3qωdy/4 16r³ और इसकी पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो फिर इसकी पावर 4 बन जाएगी r² - y² की पावर हाफ है और पावर 4 तो 2 बन जाएगी। डन। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, यूट्यूब लेक्चर है, दोबारा देख सकते हो। लो जी, इस डिस्क का घुमाने से केवल इस डिस्क के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो निकल गया, और ऐसे तमाम डिस्क जो है, जो पहली डिस्क ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आखिरी, यानी वाई की वैल्यू शुरू होती है माइनस आर से, जीरो क्रॉस करते हैं प्लस आर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होल स्फीयर इज इंटीग्रेट करोगे तमाम डिस्क, हर डिस्क का जो है ऐसे तमाम डिस्क का इंटीग्रेशन कर दो, पूरे गोले का निकल जाए। कहां से करना है? जहां वाई की वैल्यू जीरो से माइनस आर से लेके जीरो क्रॉस करते हैं प्लस आर, यह है जो हमारा फाइनल स्टेप। आगे बढ़ेंगे, यह है वाई का फंक्शन और ये डी वाई। अब तो वाई वेरी कर रहा है ना, बाकी सब कांस्टेंट है। 3q ω/16r³ और उसका कर दिया इंडिकेशन, तो आर स्क्वायर इसको आसानी से होगा ना, इसको तो आसानी से नहीं होगा ना, तो क्या करोगे, पहले एक स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन करता है, 3q ω/dy/16r³ फॉल्स को ओपन करते हैं, y पावर 4 माइनस 2 y² r² प्लस r पावर 4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, दिख रहा है ना, सही। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो ये चीज बाहर आ गई, 3q ω/16r³। अब इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, बस कर दो सीधा, बस ये रखोगे इंटू डी वाई, तो इसका हो जाएगा वाई पावर 5/5 माइनस 2r² तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का y³/3 प्लस r पावर 4 कांस्टेंट है, बचेगा 1 उसका वाई, और लिमिट माइनस आर टू प्लस आर, ठीक सही है। अब बस फाइनल स्टेप वहां पर आ जाएगा और आपकी समस्या भी दूर। चले जी आराम के साथ, एल कितना निकल चुका था, एल कितना निकल जाएगा, आई टू में होता है और आई 2/5 mr² तो लिख निकल जाएगी, ठीक है। म्यू इज कंटिन्यू 3q ω/16r³। लो जी पहले रखो r, y की वैल्यू r⁵/5 माइनस 2r² r³/3 प्लस आर पावर 4 आर, ये माइनस, फिर माइनस आर रखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है ना, ऑड पावर है ना, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, उसे घटाओगे तो फिर इसी के साइन हो जाएंगे, यानी यही चीज आ जाएगी, सुना रही बात, दिस माइनस
फिर दोबारा ये आएगा माइनस साइन के साथ, तो प्लस हो जाएगा, दिस प्लस इटसेल्फ, सो इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस इंटू टू बोल इंटू आर दिया, जब माइनस आर रखोगे तो यही चीज माइनस साथ हो जाएगी, और जब घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेम प्लस सेम, तो इसका ट्वाइस हो गया, और आपका 3q ओमेगा और दो से इंटू एन को दो से काट दीजिए आर अपॉन 8rq, ऊपर r पावर 5 तो बनेगा बनेगा, r पावर 5 कौन बनेगा, तो बचेगा 1/5 - 2/3 + 1, ओके बहुत ही आसान होता जा रहा धीरे धीरे, 3q ओमेगा r² बच जाएगा कट के और अपॉन में 8, और इसका एल समझ जाएगा 15, तो 3 - 10 + 15, 3 × 15 = 15 और 5 × 8 = 40, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बटा 40 और इंटू में 15, 16 से 18 से 10 = 8 और 8 × 5 = 40, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 5, ये म्यू है, ये म्यू आ गया, और एल क्या आ गया था शुरू में आई इंटू में 2/5 एम आर स्क्वायर आई इंटू ओमेगा, ये क्वेश्चन 1 थी और ये क्वेश्चन 2, और कुछ ऐसा करो कि आर इल्यूमिनेट हो जाए, सीधा डिवाइड देने में देर ना लगा, सो डिवाइडिंग 2/1 म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 5, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 5 कैंसिल, यहां से बचेगा सिर्फ क्यू और यहां से बचेगा 2m, सो म्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2m इंटू एल, ओके